नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप लोग देख रहे हैं हिजा टेक। आज मैं आप लोगों को इफ स्टेटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल में न्यू यूज़र हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोगों को प्रोग्रामिंग सीखना ही चाहिए। और अब मैं क्यूबेसिक में हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। पहला टॉपिक है इफ देन स्टेटमेंट। एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, जैसा कि हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पर, इनपुट योर एज नेक्स्ट इफ एज इक्वल टू और मोर देन 18 देन प्रिंट यू कैन कास्ट वोट। एक सिंपल क्यूबेसिक स्टेटमेंट है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आप अपना एज इंटर करोगे। मैं इसे रन भी कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अपना यहाँ मैंने योर एज लिखा था, योर एज आया। इफ मैं 65 डालता हूँ तो यू कैन कास्ट वोट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेस देन डालता हूँ तो कुछ भी शो नहीं करेगा। इफ देन स्टेटमेंट यही करता है। ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक स्पेशल कोड डालेंगे, कंपेयर करेंगे। इफ ये राइट है तभी ये प्रिंट होगा, इफ रॉन्ग तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर हम दूसरा भी कर लेते हैं। इफ ए कंडीशन राइट है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, मेरा क्यूबेसिक में यहाँ पर दिखा चुका है कि स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए पहले मैं ये टाइप कर देता हूँ और फिर से यहाँ पर नेक्स्ट करता हूँ। इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ आपका ये कंडीशन राइट है, आपका ये कंडीशन राइट है तो ये तो प्रिंट होगा ही। लेकिन इफ आपका कंडीशन रॉन्ग है तो क्या प्रिंट करना चाहिए, वो एल्स स्टेटमेंट कहता है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ प्रिंट यू कांट कास्ट वोट। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे कोड कर दिया है और मैं इसे रन कर रहा हूँ। एज 14 यू कैनॉट कास्ट वोट, ठीक है। तो इसे हम न्यू कर देते हैं। अब नेक्स्ट हम इफ else if स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इफ इनपुट, क्या इनपुट करे, तो योर क्लास सी। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इफ सी इज इक्वल टू और लेस देन 8 देन प्रिंट, क्या प्रिंट करे, यू आर इन जूनियर लेवल, ठीक है। लेकिन
आपको अगर कोई और भी कंडीशन यहाँ पर देना है तो आप ये else if स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो. इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर लेस देन होगा, ग्रेटर देन नहीं होगा. इक्वल टू 8, यहाँ पर इक्वल टू भी नहीं होगा. एंड लेस देन इक्वल टू 12, देन प्रिंट सेकेंडरी लेवल. मेरे स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है, कोई बात नहीं उससे. अगर ये भी नहीं है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हायर लेवल. एल्स इफ, इफ कोई और कंडीशन डालना चाहते हो आप तब यूज करना है. और एल्स जब आपका कोई भी कंडीशन राइट नहीं है, आप एक से यहाँ पर दो कंडीशन है, 5 भी डाल सकते हो, 10 भी डाल सकते हो, वो लेंदी होगा. आपने यहाँ तक देखा, अब इसे हम रन कर लेते हैं. तो क्लास अगर मैं 5 डालता हूँ तो जूनियर लेवल दिखाएगा. फिर से रन करता हूँ. क्लास अगर मैं 9 डालूंगा तो ये फिर से जूनियर लेवल. हियर इन जूनियर लेवल इफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड सी इज लेस देन 12. राइट है, फिर क्यों. यहाँ पर कुछ एरर है. राइट है, एंड तब सब ठीक है. फिर ऐसा क्यों दिखा रहा है वहां पे, से करते हैं. सेकेंडरी लेवल वहां पर शायद मेरा नंबर लॉक ऑफ हो गया था. फिर से रन करते हैं. जैसे मैं अब यहाँ पर फानी मेरे कैरेक्टर्स नहीं डाल सकते हो, तो मैं अगर 13 डालता हूँ काम नहीं कर रहा. फिर से मैं नंबर ऑन किया है, तो इसमें यहाँ पर 13 डालूंगा तो ये हायर लेवल दिखा देगा. आज के लिए इतना ही दोस्तों. और इफ आगे और पढ़ना है, और जानकारी चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए.